जय माता दी सभी को स्वागत है आप सभी को चैनल में एक बार फिर से। आशा करता हूँ माता रानी और महादेव की कृपा पर बन रही होगी। आज हम बात करेंगे साधना में माला का विशेषता या महत्व क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि साधनाओं में माला का प्रयोग क्यों होता है। तो क्या होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हो तो आपकी कुंडलिनी से जो तरंग निकलती है तो वो तरंग कुंडलिनी जो चक्रों से जुड़ी हुई नाड़ियाँ होती है जो कि हमारे उंगलियों पर जाती है, जो कि मध्यमा और ये थंब फिंगर और ये अनामिका, यहाँ तक वो नाड़ियाँ उन चक्रों से जुड़ी हुई होती है। तो वहाँ पर कोई ऐसी वस्तु हो जो कि उस शक्ति के तत्वों से मिलता जुलता हो तो आपका जाप का जो ऊर्जा होती है उसको बढ़ा देती है, मतलब एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है माला। अब जैसे कि आप शिव पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हो और रुद्राक्ष की माला यूज कर रहे हो तो रुद्राक्ष का जो तत्व है वो शिव तत्व है और आप जाप कर रहे हो शिव मंत्र का, तो क्या होता है कि जब आप जाप करते हो तो कुंडलिनी ऊर्जा में जो वाइब्रेशन होती है वो वाइब्रेशन नाड़ी के माध्यम से आपके उंगलियों तक पहुंचती है और वहाँ उंगलियों पर क्या रखा हुआ होता है तो माला, जो कि शिव तत्व का है। तो वो शिव तत्व का जो माला है उस जाप एनर्जी को बूस्ट कर देती है और ज़्यादा बढ़ा देती है और हमें जाप का ज़्यादा फल मिलता है। तो इस हिसाब से होता है माला का काम। अब अलग अलग माला क्यों हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि रुद्राक्ष माला हो गया, स्फटिक हो गया, उसके बाद हल्दी माला हो गया, हल्दी का माला बगलामुखी में यूज होता है, माँ बगलामुखी के साधना में, उसके बाद अस्थि माला हो गया, रक्त चंदन का माला, ये सब आखिर बदल बदल कर क्यों यूज होता है, क्या इसका खासियत होता है कि हम बदल बदल कर यूज करते हैं। तो ऐसा होता है कि जो हम जाप करते हैं किसी भी देवी देवता या शक्ति का तो उसका तत्व का जो सामग्री ये वस्तु हमारी पृथ्वी पर या हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, अगर उन चीज़ों का यूज करके हम उस तत्व का जाप करें तो वो बूस्ट कर देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करें तो माँ बगलामुखी का जो पीताम्बरा स्वरूप है उन्हें पीले रंग का वस्तु बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पीला रंग उनके तत्वों को थोड़ा प्रतिनिधित्व करता है, तो इसीलिए हल्दी का प्रयोग होता है क्योंकि उसका रंग पीला होता है। अब रक्त चंदन का हो गया, अब मान के चलो रक्त चंदन जो है वो नवाण मंत्र की उग्रता को थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है ना। रक्त चंदन में जो तत्व है वो नवाण मंत्र के थोड़ा उग्र स्वरूप को खींचता है रक्त चंदन का माला, तो इसीलिए जब आप रक्त चंदन से नवाण मंत्र का जाप करोगे तो थोड़ा उग्रता आता है। स्फटिक हो गया तो वो श्री तत्वों को अट्रैक्ट करता है, मतलब माता लक्ष्मी के तत्वों को अट्रैक्ट करता है। अगर आप नवाण मंत्र के जाप करोगे स्फटिक माला से तो माँ लक्ष्मी की कृपा ज़्यादा आएगी क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एनर्जी को खींचेगी जो कि उस स्फटिक से रिलेटेड है। तो स्फटिक का जाप करोगे तो लक्ष्मी तत्व खींचेगा, रक्त चंदन का जाप करोगे तो जो माँ चंडी का तत्व होता है उसको खींचता है रक्त चंदन से। और उसके बाद अस्थिमाला पर आते हैं, तो अस्थिमाला पर जाप करते हो तो अस्थिमाला तामसिक तत्व को खींचता है तो वो माँ काली का तत्व को खींचेगा। तो इस हिसाब से मालाओं का डिफ्रेंशिएट होता है। अब जैसे कि मूंगे का माला यूज होता है हनुमान जी पर, तो हनुमान जी का जो हम सब वो सिंदूर वाला प्रसंग तो जानती है कि प्रभु को खुश करने के लिए हनुमान जी ने पूरा सिंदूर पोत लिया था अपने शरीर पर, तब से उनको लाल रंग प्रिय है। और उसके बाद जो मंगल ग्रह है उनका भी रंग लाल है और उनके अधिष्ठात्री देव भी हनुमान जी को ही कहा जाता है, तो इसीलिए मूंगा का जो तत्व है वो हनुमान जी के तत्वों से मैच करता है और उनके जाप में मूंगे का माला का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उससे उनकी ऊर्जा जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है और हमें ज़्यादा बेनिफिट होती है। अब आते हैं एक बात पर कि ये रुद्राक्ष की माला सब में मान्य क्यों है। हम लोग सब कहते हैं कि किसी भी साधना में रुद्राक्ष की माला उपयोग हो सकता है, तो भगवान शिव जितने भी ब्रह्मांड के पदार्थ हैं वो भगवान शिव है। मैंने पहले ही शिव और शक्ति का जो रहस्य था ये ऊर्जा वाला में E=mc² वाला बताया था, वो रिलेटिविटी के जो पदार्थ क्या है और ऊर्जा क्या है, तो उसमें जाकर आप देख लीजिएगा शिव और शक्ति का जो मैंने डिस्क्राइब किया था, उसमें बताया था कि ब्रह्मांड का सारा पदार्थ शिव है और सारा शक्ति माता आदि शक्ति एनर्जी है। तो क्या होता है कि
भगवान शिव के अंदर ब्रह्मांड के सारे तत्व मिल जाएंगे। तो इसीलिए रुद्राक्ष भगवान शिव के अंश और शिव के तत्व होने के कारण आप कोई भी साधना रुद्राक्ष पर कर सकते हो, क्योंकि वो सारे तत्वों को खींच लेगा। इसीलिए रुद्राक्ष की माला सर्वमान्य होती है। तो ये हो गए माला का, जो हम क्यों बदल बदल कर यूज करते हैं, क्या हमें फ़ायदा होता है, और रुद्राक्ष की माला को आखिर क्यों सर्वमान्य माला कहा जाता है, हर साधना में उपयोग होता है। तो ये थी आज के लिए जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता।